हाय गाइस, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, कैरी ने कुछ दिन पहले अपने ट्विटर पे ट्वीट किया था और मैंने उस ट्वीट को रीट्वीट भी किया था, और पर मेरे को ये अंदाज़ा नहीं था कि यलगार नाम से कोई एपिसोड आएगा, रोस्ट आएगा या म्यूज़िक वीडियो आएगा। तो म्यूज़िक वीडियो आ चुका है, तो पहले उसको देखते हैं और बाद में उसके बारे में बात करते हैं। तो गाना स्टार्ट करते हैं। मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया। रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया, फिर भी इन्होंने सारा धंधा मेरा खाया। ये सारी इनकी माया, इनका ही खाना साया, वीडियो खिलो के पूरे देश का दिल लुटाया। इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ। जिन हाथों ने है मुझको दबाया, उन हाथों की तो देख फिर तो मैं संजीर हूँ। इंग्लिश में कॉलिंग देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते प्रॉपर गाना है। और वोकल में एक नंबर है। एक नंबर, एक नंबर। तो फाइनली मैंने देख लिया है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब मैंने कैरी के ट्रैक्स पहले भी देखे जो उसने डाले हैं, लेकिन ये वाला तो फायर था। और खास करके इसकी जो हुक लाइन थी और जो बीट थी, मतलब बहुत ही मस्त थी यार। और ओरिजिनल जो वीडियो है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ऑलरेडी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हो। और इसमें काफ़ी सारे नोटिस करने वाले पॉइंट थे, जैसे प्रिंसिपल और स्कूल वाली बात थी। आपको पता है प्रिंसिपल किसने बोला था? तो इसमें प्रिंसिपल और स्कूल वाली बात थी। इसमें साइमन सेज को, यूट्यूब को, कुणाल कामरा को, मतलब सबको भाई ने लपेट लपेट के मारा है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने कैरी की लास्ट वीडियो के ऊपर भी रिएक्शन बनाया था, वो वीडियो डिलीट भी हो गया था और उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम भी आया था। तो मैंने कभी उस चीज़ के बारे में बात नहीं करी, मैंने उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने का सोचा नहीं, क्योंकि वो काफ़ी टॉक्सिक हो गया था, वो चीज़ें काफ़ी टॉक्सिक होती जा रही थी, इसलिए मैंने वो चीज़ कंटिन्यू नहीं करी। गुड जॉब। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बताऊं कि क्या हुआ था, तो मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं उसके ऊपर अपने नेक्स्ट व्लॉग में थोड़ा सा बता दूंगा कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और मैं बना दूंगा।
मतलब भाई बंदा कॉमेडियन है, बंदा यूट्यूबर, अगर आप गाना सुनोगे तो आप गाना सुन के बोल नहीं सकते हो कि बंदा रैप आर्टिस्ट नहीं है या म्यूजिशियन नहीं है। मतलब प्रॉपर एक गाना बनाया है भाई ने, चाहे बीट हो, हुक हो, कुछ भी हो। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। पूरा गाना मस्त है। मतलब एक गाना होता है ना जिसको आप बार बार रिपीट पे सुन सकते हो, तो उस टाइप का गाना है ये। मजा आया। और एंड में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा यार, माहौल को ज़्यादा बेकार मत बनाओ, टॉक्सिक मत करो। और जैसे कि लास्ट टाइम रिकॉर्ड नहीं बन पाया, लेकिन इस टाइम ट्राई करो कि रिकॉर्ड बने। ज़्यादा से ज़्यादा भाई की वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। प्लीज़ गाली गलोच वाले कमेंट मत करना, किसी को गाली वाली मत दो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, भाई की वीडियो को फैला दो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करो, दबा के शेयर करो। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा भाई की वीडियो का। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं वीकली व्लॉग बना रहा हूँ अगले वीक से, मतलब आएंगे अब लगातार, वीक में एक या दो व्लॉग तो आएगा ही आएगा, देखो मजा आएगा। और आज के लिए इतने ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए